देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं ममता बिष्ट, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों में। खबर कालाडूंगी से है। शहीद उधम सिंह का 121वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कालाडूंगी वार्ड नंबर 6 में शहीद उधम सिंह पार्क में संगठन समिति कम्बोज महासभा के जिला अध्यक्ष सहित शहीद उधम सिंह का 121वां जन्मदिन पार्क में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महासभा कम्बोज के अलावा धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी देशभक्ति के जज्बे को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं पार्क में मिष्ठान भी वितरण किया गया। इस दौरान महासभा के यूथ अध्यक्ष सविंदर सिंह ने कहा कि हम सभी लोगों को महान शहीदों और देशभक्तों की कुर्बानियों को याद करते हुए उनके मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों, विद्यार्थियों और लोगों को जागरूक कर शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करना चाहिए। समिति के उपाध्यक्ष कुलवीर सिंह ने कहा कि आज के दिन शहीद उधम सिंह का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार पंजाब में हुआ। छोटी उम्र में ही उनके अंदर देश को आजाद करने की भावना जागृत थी। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के पश्चात जनरल डायर को उनके घर में जाकर इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के भगवान सिंह ने की। इस दौरान थाना अध्यक्ष दिनेश नाथ महंत, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दीपचंद सती, अमित चंद कम्बोज, अरवण कम्बोज, कुलविंदर सिंह, लाल सिंह, राजेश कम्बोज, अली हुसैन, सलमान वारसी, पूरन जोशी, वकील अहमद, नादिम अहमद, हरीश मेहरा, हर केवल कम्बोज, दीनू सती, धर्मेंद्र कम्बोज, संजीव वालिया, मोहम्मद दानिश, परविंदर सिंह, रोहित बुदलाकुट्टी, अली हुसैन, विक्रम सामंत, धीरज, सलमान फारूकी, तरुण जोशी, रवि, विनय आदि अध्यक्ष उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं कालाडूंगी से मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।